आपके घर पर कुल देवी देवता रुष्ट है। आप मानसिक तौर पे भी बहुत दिक्कत हो रही है आपको। शारीरिक तौर पे भी परेशान किया जा रहा है आपको। निद्रा स्तंभन भी की गई है। रोग भी उत्पन्न किए जा रहे हैं और बवासीर रोग लगाने की भी क्रिया पर की गई है। ठीक है। किससे? देखिए, आपके ऊपर तंत्र क्रियाएं चल रही है। घर पर भूत बाधाएं चल रही है क्योंकि घर पे भूत प्रेत डेरा डालकर बैठे हुए हैं। जैसे आप कुछ करते हैं, कुछ दिनों के बाद वापस आ जाते हैं और बंधन तोड़ रहे हैं। आगे वाले जो व्यक्ति है बहुत तगड़े, यानी आपका बांधा हुआ बंधन हर हफ्ते भर में टूट जाता है, ज्यादा लंबा चल नहीं पाता है। आपके शरीर का वजन ऐसा लगता है जैसे आपके साथ दो तीन लोग सवार है आपके शरीर पर। आपका जैसे 50 किलो वजन है तो आपको लगता है 150 किलो वजन लेके आप चल रहे हैं इस वक्त। सही है। आपके मांसपेशियों में और बदन में दर्द बना हुआ रहता है पूरा। जितने जोड़ है, हाथ है, ऐसा दर्द बना रहता है। ऐसा लगता है कि कोई सिर्फ शरीर दबाते ही रहे, इतना दर्द आपको बना हुआ रहता है। सुबह जब उठते हो तब भी दर्द बना रहता है। रात में जल्दी नींद नहीं आती है, सोने की कोशिश करते हो तब भी नींद नहीं आती है, और जब सोते हो तो ज्यादा समय तक चले जाते हो दिन में, है ना। रात में लेट सो रहे हैं आप, निद्रा आती नहीं है और विचित्र दृश्य आपको स्वप्न में दिखाई देते हैं, जो घातक है। तंत्र क्रियाएं दिखती है, कई चीजें दिखती है। पेट में मरोड़ चलता है, पेट के अंदर ऐसा चलता है जैसे कोई चक्की चल रही हो बहुत वाइब्रेशन के साथ में। आपके कुल देवी देवता रुष्ट चल रहे हैं। मांसपेशियों में खिंचाव जलन भी रहता है। आपका भाग्य बंदिश है। शारीरिक रोग उत्पन्न, बवासीर की क्रियाएं करके रखी हुई है। अष्टमारिणी घातक क्रियाएं भी आपके ऊपर करके रखी हुई है। प्रगति पूरी तरह से बांधा है आपका, और लक्ष्मी भी पूरी तरह बांधा है। घर में ऐसा लगता है जैसे बहुत मनुष्यत है ना। दारिद्र्यता लगता है और एक दूसरे के प्रति सबका प्रेम भाव जो है वो खत्म सा होता जा रहा है। हाँ, वो इसलिए हो रहा है, जो भूत बाधाएं जो चल रही है ना, उस वजह से आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि चीजें है, वो लग रहा नहीं है, वो चीजें है। ठीक है। पेशी करनी रहेगी आपको। लक्ष्मी बंधन और प्रगति बंधन भी काट दे रहा हूं। आपके नसों पर भी, जितने रक्त की नसें हैं ना, उन पे भी क्रिया, उन पे भी वाइब्रेशन है आपके। सही हो जाएगा, चिंता ना करें। हो जाएगा, चिंता ना करें। आप ये पकड़िए, आप 2 नंबर की कीट लेकर आएंगे। ठीक है।